इस बुलेटिन के प्रायोजक है संकट मोचन इंटर कॉलेज करिया बजना सुल्तानपुर जय सिंहपुर तहसील का नंबर वन इंग्लिश मीडियम स्कूल। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल सुल्तानपुर का नंबर वन इंग्लिश मीडियम स्कूल। सुल्तानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में मतपत्रों में हेराफेरी को लेकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप सिंह ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को चिट्ठी लिखकर सारे मामलों से अवगत कराया है। उन्होंने चुनाव फिर से कराने के लिए एक महीने का समय मांगा है। सुल्तानपुर जिले में हलियापुर थाने की पुलिस ने ढेरियावा गांव में छापेमारी कर 40 लीटर अवैध शराब और एक कुंटल लहन के साथ मौके से अवैध शराब बनाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। सुल्तानपुर जिले में गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अन्नपूर्णा नगर गांव में चोरों ने 3 घरों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने लाखों रुपए के सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, चोर फौजी के घर पर रखी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर भी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। सुल्तानपुर जिले के एसपी हिमांशु कुमार के निर्देशन में अवैध कार्यों में संलिप्त संदिग्धों की तलाश के दौरान पूरे बार थाने की पुलिस ने राधा देवी के पास से 500 ग्राम अवैध गांजा पकड़ा। इसके साथ ही उन्होंने आरोपी राधा देवी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। सुल्तानपुर जिले में उन्नाव रेप केस की पीड़िता के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष उदय प्रताप कोरी और कोरी समाज जयसिंहपुर के लोगों ने डीएम ऑफिस का घेराव किया। सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर में एक बाइक सवार ने लिफ्ट देने के बहाने दयाराम और उसकी पत्नी कबूतरा को ठगी का शिकार बनाया। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। सुल्तानपुर जिले में वाहन चेकिंग के दौरान भागने की फिराक में हादसे का शिकार हुए बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला चांद कोतवाली क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास का है। सुल्तानपुर जिले की ग्राम सभा मलहीपुर में अंकुरण फाउंडेशन ने रक्त दान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 15 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं 150 लोगों का नेत्र परीक्षण भी किया गया। इसके साथ ही पर्यावरण बचाने का संदेश देते हुए 300 आम के पौधों को भी बांटा गया। अमेठी जिले में बिबियापुर निवासी नफीसा बानो को उसके पति मुबीन ने 3 तलाक दे दिया है। पीड़िता मामले की शिकायत लेकर मोहनगंज थाने पहुंची। आखिर 3 तलाक पर पास बिल तलाक रोकने के लिए कितना कारगर होगा, इसकी परीक्षा का पहला मामला बिल पास होने के ठीक अगले दिन ही सामने आ गया। अमेठी जिले में 2 अभियुक्तों को मोहनगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर 213 पेटी अवैध शराब बरामद की है। बता दें कि पूरे जिले में अवैध शराब का धंधा फलफूल रहा है, लेकिन आबकारी विभाग के कान पर जू नहीं रेंगती। अमेठी जिले में गौरीगंज थाना निवासी 20 साल की युवती गीता का शव तालाब में मिलने से हड़कंप मच गया। गौरीगंज और मुंशीगंज थाने के बॉर्डर पर तालाब होने से 2 घंटे तक पुलिस ने शव निकालने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार मुंशीगंज पुलिस ने शव को बाहर निकालकर गौरीगंज पुलिस को सौंपा। अमेठी जिले के सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने और कार्य प्रणाली में बेहतर सुधार के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान एडीएम वंदिता श्रीवास्तव ने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी अभिलेखों रजिस्टरों और फाइलों के रखरखाव कार्यालय प्रबंधन आरटीआई नियमों को अच्छी तरह से समझ लें। अयोध्या जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में हुई 2 चोरियों को खुलासा किया गया है। कोतवाली नगर क्षेत्र के गुदरी बाजार की घड़ी की दुकान और मानस नगर में हुई घर की चोरी का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को अरेस्ट कर उनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया है। अयोध्या जिले में कुमारगंज कस्बे के प्राचीन हनुमान मंदिर में चोरों ने लाखों रुपए से भरा दान पात्र चोरी कर लिया। कुमारगंज थाने की पुलिस के मुताबिक मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। प्रतापगढ़ जिले के एसपी अभिषेक सिंह को बड़ी उम्मीद के साथ योगी सरकार ने प्रतापगढ़ का पुलिस कप्तान बनाकर भेजा था। चार्ज लेने के कुछ दिन के भीतर ही बदमाशों ने पुलिस को चैलेंज करते हुए भुपिया मऊ चौकी से महज 50 मीटर दूर चेकिंग कर रहे हेड कांस्टेबल भोला बिंद को गोली मार दी और फरार हो गए। घायल सिपाही को गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर किया गया है। बाराबंकी जिले में वकीलों ने बाराबंकी के पटेल चौराहे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकते हुए आक्रोश जताया। बता दें कि वकीलों ने उन्नाव रेप कांड में जख्मी हुए वकील को लेकर आक्रोश जताया। कौशाम्बी जिले के कोकराज थाना क्षेत्र के सिहोरी गांव के पास हाई टेंशन तार जोड़ रहे लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। इससे नाराज ग्रामीणों ने प्रयागराज चित्रकूट मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।